जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगी है चंबा नदी में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो शूट करने के लिए आया था और यहाँ पर अब बारिश होने लगी है और मैं अभी घर नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश होने लगी है और मैं ब्रिज के नीचे छुपा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश में भीगते हुए लोग हुआ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैं चंबल नदी राजघाट पे आया था या ब्रिज की और रिवर की वीडियो शूट करने के लिए। तो आज मैं दोस्तों यहाँ पर बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया हूँ और मैं ब्रिज के नीचे हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ी से होने लगी है और यहाँ पर मैं आप देख रहे होंगे मेरे छत की मेरे ऊपर जो ब्रिज की जो लाइन जा रही है जो ब्रिज बनता हुआ जा रहा है और मैं इसके नीचे हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ी से होने लगी है और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश यहाँ पर चालू हो चुकी है और मौसम भी आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम आपको नज़र आ रहा होगा। जो चंबल नदी किनारे जो बारिश है पड़ रही है और मैं चंबल नदी किनारे हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आप मेरे पास में नज़र आ रहे होंगे और बारिश पड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग आप मेरे पास में भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर ब्रिज के नीचे यहाँ पर बारिश भीगने से बच रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बारिश पड़ती हुई नज़र आ रही है। कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज बन के तैयार हुआ है इधर की साइड से गार्डन डल चुकी है। मैं नीचे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक पिलर पे चार गार्डन डली हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं चारों की चालन गार्डन और यहाँ पर छत भी तैयार हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला भर के छत कम्प्लीट हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों मैं ब्रिज को जो नीचे है मैं नीचे से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर छत भी डल के कम्प्लीट हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो ब्रिज के मैं नीचे हूं और यहां पर जो गार्डन डली हुई है वो तो गार्डनों का मैं नीचे से वीडियो शूट कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रिज बन चुका है। जैसे कि दोस्तों ये राजस्थान मध्य प्रदेश का जो ब्रिज बनाया जा रहा है और दोस्तों मैं पूरा इसका ब्रिज का जो वीडियो बता देता हूँ। यहाँ से ही जो राजस्थान की तरफ से यहाँ से जो ब्रिज बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि दोस्तों इधर से राजस्थान से बनता हुआ और MP साइड में जो ब्रिज जा रहा है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान से बनता हुआ ब्रिज है तो ये MP साइड बनता हुआ जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रिज बन चुका है और यहाँ से ये राजस्थान की साइड से यहाँ से ब्रिज चालू हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट की जो पिलर है जो गार्डन डली हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो ब्रिज वाला जो गार्डन डल के तैयार हुई है और यहाँ से ही आपको पिलर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ से ये ब्रिज चालू हुआ है और इधर से ही बनता हुआ राजस्थान से और MP साइड गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव वीडियो ओरिजिनल। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उधर की साइड में सबलगढ़ पड़ता है और इधर की साइड में मंडरायल जिला करौली लगता है। और दोस्तों ये राजस्थान मध्य प्रदेश का जो ब्रिज बनाया जा रहा है तो काफ़ी यहाँ पर ब्रिज बन के तैयार हो चुका है। और इधर में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो मजदूर हैं ब्रिज पर जो काम कर रहे हैं तो काफ़ी यहाँ पर झुग्गी बनी हुई है और यहाँ पर ही जो मजदूर हैं जो ब्रिज पर जो काम करते हैं तो यहाँ पर उनके घर बने हुए हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर राजस्थान की साइड जो टापू है उस जगह पर यहाँ पर जो ब्रिज का जो काम चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी झुग्गी बनी हुई है और यहाँ पर पानी की टैंक भी बनी हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो ब्रिज वाले जो लोग आ गए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर नहाना धोना खाना पीना करते हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चंबल नदी। और दोस्तों अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चंबल नदी की जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को मिल सके।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पवन माली स्वागत करता हूं पवन माली चंबल मंडल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों, मैं राजघाट और चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जो चंबल नदी पर जो ब्रिज बनाया जा रहा है, तो मैं इसकी जानकारी में अकेला आता था देने के लिए, पर लेकिन आज मेरे साथ में 5 आदमी और आए हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 आदमी कचौड़ी का और जलेबी का नाश्ता कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं जूम करके और भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे साथ में जो लड़के आए हैं, वो जो मौसम है बारिशों का, तो दोस्तों यहाँ पर एंजॉय करने के लिए मेरे साथ में जो आए हुए हैं, तो नाश्ता भी यहाँ नदी किनारे कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाश्ते करते हुए और 5 दोस्त। और दोस्तों पहले मैं अकेला आया करता था और आज मेरे साथ में 5 लोग आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 के 5 नदी किनारे यहाँ पर नाश्ता करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर ब्रिज के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ पर ब्रिज का काम कितना हो चुका है और कितना काम बाकी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश का जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, वीडियो छोड़ कर ना जाएं और चंबल नदी की जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसी चंबल नदी की जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों कैमरे द्वारा अपन वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। जी हाँ, राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उधर की साइड में मध्य प्रदेश है और इधर की साइड में राजस्थान है। जी हाँ, आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। और दोस्तों ये ब्रिज बहुत ही लंबा चौड़ा भी बन रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रिज बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर चंबल नदी में जो ब्रिज बनाया जा रहा है, 22 पिलर तक यहाँ पर गार्डन डल चुकी है। जी हाँ, 22 पिलर तक गार्डन डल चुकी हैं और टोटल यहाँ पर चौकी समेत 25 पिलर हैं और यहाँ पर 22 फ्लोरों पे गार्डन डल चुकी हैं और अभी 3 पिलर अभी बाकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज और यहाँ पर काफ़ी लोग बाग यहाँ पर ब्रिज पर घूमते हुए चंबल नदी को देख रहे हैं। जो 87वीं गार्डन डलने के लिए गई है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जूम करके और भी बता देता हूँ, काफ़ी दूर ब्रिज है और गार्डन भी काफ़ी दूर है और चंबल नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं चंबल नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर गार्डन काफ़ी दूर है और ब्रिज भी काफ़ी दूर है। और जो दोस्तों मैं जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पर गार्डन, यहाँ पर 87 गार्डन यहाँ पर डलने को जा रही है। दोस्तों यहाँ पर 87 गार्डन अभी डलने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिज का काफ़ी काम हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नीचे से मसाला भरा जाता था ये गार्डनों में और अब यहाँ पर मशीन द्वारा यहाँ पर ऊपर से ही मसाला भरा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन भी ऊपर ब्रिज पर आपको नज़र आ रही होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मशीन द्वारा यहाँ पर मसाला भरा जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका है, रेलिंग भी काफ़ी बन चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी रेलिंग बन चुकी है। मैं जूम करके और भी बता देता हूँ, जो फुटवेयर के लिए जो ब्रिज पर जो रेलिंग बनाई जा रही है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी रेलिंग बन चुकी है। जी हाँ, काफ़ी रेलिंग बन चुकी है और आगे फ्रेम भी काफ़ी बन चुकी है। जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रही होगी फ्रेम, तो दोनों साइड यहां पर फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज और ब्रिज पर ऊपर दोनों साइड फुटपेयर के लिए रेलिंग बनाई जा रही है। जैसा कि दोस्तों यहां पर फ्रेम भी बन चुकी है और काफ़ी फ्रेमों में मसाला भर चुका है और फ्रेम बन के तैयार भी हो चुकी है और मसाला भी भर के इधर की साइड में मसाला भर के कम्प्लीट हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जो फुटपेयर के लिए रेलिंग बनाई जा रही है, तो दोस्तों इधर में फुटपेयर के लिए रेलिंग बन चुकी है और आगे की साइड में फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज और इधर की साइड में राजस्थान की साइड में मंडरायल और MP साइड में सबलगढ़। जी हाँ, इसीलिए बोला जाता है राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाले ब्रिज पर काफ़ी काम चालू है और काफ़ी काम हो चुका है। जैसा कि दोस्तों इधर की साइड में राजस्थान साइड से ब्रिज जो बनता हुआ जा रहा है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की साइड से ब्रिज काफ़ी बन चुका है। जी हाँ, काफ़ी ब्रिज बन चुका है और 3 अभी पिलर बाकी हैं। जी हाँ, अभी 3 पिलर बाकी हैं और काफ़ी फ्लोरों पर गार्डन डल चुकी हैं और अभी 3 पिलर बाकी हैं। थोड़े दिन बाद यहाँ पर
तीन फ्लोरों पर भी गार्डन डल के तैयार हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबा के फिनिश करें, इससे चम्बी नदी की जुड़ी हुई ब्रिज की जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चम्बी नदी की जुड़ी हुई जानकारी प्रतिदिन की आपको मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं चम्बा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर ब्रिज पर भी काम चालू कर दिया है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रिज पर काम चालू हो चुका है। आपने देख लिया होगा दोस्तों राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलती हैं, जब तक के लिए नमस्कार।